कहां पर कार बस प्लेट जो नंबर प्लेट होता है वो जेल में बनता है। इंसान के अंदर कितना फैट है कि उसे साबुन बना सकता है। स्टूडेंट टीचर कहां पर अब साफ सफाई स्कूल कॉलेज के करते हैं। वीडियो के अंत तक मैं आपको सारे सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा लास्ट तक। इंसान के शरीर में कितना फैट है जिससे कि वो मैंने यानी कि किस रूप में देखा जाए कि बहुत अधिक हमको फैट लगे कि हाँ इंसान के अधिक बहुत फैट है। जी हाँ, अगर आप साबुन बना रहे हैं फैट का तो आपके पास यानी कि कितना साबुन हो जाएगा इंसान के फैट के। अगर इंसान का फैट निकाला जा रहा है तो साबुन का ढेर लग जाएगा, यानी कि जो 10 रुपीज वाला जो साबुन होता है यानी कि 7 गो साबुन प्राप्त हो जाएगा आदमी के अंदर से जो फैट है। मेरे आप गाइज, किस देशों में स्टूडेंट और टीचर मिलकर यानी कि प्रतिदिन कॉलेज स्कूल को साफ सफाई करते हैं? मेरे भारत देश में स्टूडेंट है तो स्टूडेंट साफ किए, ऐसा प्रक्रिया चलते हुए आ रहा है। लेकिन एक देश है जहाँ पर स्टूडेंट और शिक्षक मिलकर ही साफ सफाई करते हैं, जहाँ जो जिसको कहा जाता है जापान। जापान में स्टूडेंट टीचर मिलकर जितने भी कर्मचारी हैं उनको मिलकर स्कूल कॉलेज को साफ सुथरा करना है। गाइज आपने कभी देखे होंगे कि शर्माते हुए आदमी को, यानी पुरुषों को या महिलाओं को देखे होगा कि शर्माते हुए, लेकिन आपने यह कभी अंदाज लगाए हैं कि यह बाकी जीव जंतु में होता होगा? जो कि जीव जंतु जानवर मछली सब में शर्माने की प्रक्रिया होता होगा। जी नहीं, एक मनुष्य ही है जो कि शर्माने का प्रक्रिया मनुष्य के अंदर है, बाकी कोई जीव जंतु का शर्माने का प्रक्रिया नहीं है। गाइस आपने कभी देखे हुए हैं कि सांप को सोते हुए कहेंगे मैंने तो नहीं देखा? अगर आप किसी समय देखेंगे तो क्या उसमें गौर करेंगे जो कि बाकी जीव जंतु मनुष्य में नहीं है? जी हाँ, सांप जो है उसका जो आँख होता है, जैसे कि मनुष्य का आँख है जो पलक होता है झपक, यानी कि सोते समय पलक गिर जाता है, लेकिन सांप का सोते समय पलक रहता ही नहीं है जो कि नहीं गिरता है, वह लगता है कि हमेशा जगे हुए है। जो सोते समय पलक नहीं होने के कारण वह सोते समय भी आंख को खोले। गाइस कौन सा जीव है जो कि अपने सर को यानी सर को और बिना घुमाए हुए पीछे का क्या हो रहा है वह देख लेता है? हम लोग आप लोग बिना सर को घुमाए नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक ऐसा जीव है जो बिना सर घुमाए हुए देख सकता है। आप लोग कहेंगे कोई बड़ा हाथी वगैरह होगा? जी नहीं, उसका नाम है खरगोश, रैबिट है। रैबिट है जो खरगोश है और बिना अपने सर को घुमाए हुए देख लेता है पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, तो देख ही सकता है पीछे भी देखा। जब इंटरनेट पर सर्च किया जा रहा था वेबसाइट यानी कि जैसे गूगल क्रोम इसे सर्च किया जाता है, तो 1999 में जो सर्च किया जाता वो सबसे अधिक कौन सा वेबसाइट को सर्च किया गया, उस वेबसाइट का नाम है पोकेमोन। पोकेमोन जो पहला वेबसाइट था यानी कि सर्च अधिक किया गया, लेकिन यह दूसरे स्तर पर आता था। पहले नंबर का वेबसाइट था जो कि आया था पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी जो टॉप 1% में था, उसके बाद दूसरा था पोकेमोन। गाइज आप लोगों हम लोगों ने उल्टा चलते हैं, लेकिन कौन ऐसा जीव जानवर है जो उल्टा नहीं चल सकते हैं? जैसे कि हम लोगों ने बैक साइड में पीछा कुछ दूर तक जा सकते हैं, जितना चाहे धीमी गति से भी जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा जानवर है जो धीमी गति से यानी कि एक डंगी भी कहा जाए तो पीछा नहीं जा सकता है, कंगारू। कंगारू जो जानवर है उसके बच्चे से लेकर जो सयाना है वो भी तक है वह पीछे नहीं जा सकती है। उनका यह प्रक्रिया प्रकृति द्वारा बना हुआ है। गाइज हमारे देशों में जैसे कि बनाया जाता है नंबर प्लेट, कोई कार हो, बस हो, ट्रक हो, जितने भी है सारे कार प्लेट नंबर प्लेट जो होते हैं वह किसी ना किसी कंपनी के अंतर्गत फैक्ट्री में बनता है। लेकिन एक ऐसा देश है जहां पर जेल के अंदर नंबर प्लेट यानी कि उस देश में जितने भी नंबर प्लेट दिया जा रहा है, लगाया जा रहा है गाड़ी में, वो जेल के ही अंदर बनते हैं, जो कि कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया देश में जेल के अंदर ही नंबर प्लेट सारे के सारे बनते हैं। गाइज कोई ना कोई व्यक्ति का नाम जो होता है उसका कोई ना कोई राशि होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति का कन्या राशि है, कोई व्यक्ति का मकर राशि है, कोई व्यक्ति का तुला राशि है। लेकिन एक ऐसा राशि है जो कि कोई व्यक्ति का कन्या राशि है, कोई व्यक्ति का मकर राशि है, कोई व्यक्ति का तुला राशि है, लेकिन एक ऐसा राशि है जो कि निर्जीव है, सजीव नहीं। आप लगे यह कैसा है? जैसे कि कन्या राशि सजीव हुआ, इसी प्रकार के मकर राशि सजीव हुआ, लेकिन तुला राशि है निर्जीव हुआ, जो कि तराजू का उसमें चिन्ह रहता है तुला राशि में। आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं गाइस, जो दुनिया भर में मीट मछली यानी कि मांस खाने का प्रक्रिया सबसे अधिक किस देश में है और सबसे कम किस देश में? आप यह बात सुनकर चौंक गएंगे। जी हाँ, एक ऐसा सवाल है। जी हाँ, जो मीट मछली अधिक खाने वाला देश है
वहाँ तो आप कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं। लेकिन सबसे कम मीट मछली खाने वाला देश भारत ही है, जो कि सबसे अधिक यानी कि कम मात्रा में यहाँ पर लोग खाते हैं मीट मछली मांस। मैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लूँ।